500 साल तक हमें ऐसा कोई बंदा तारीख़ इस्लाम में किसी मुहद्दिस, किसी मुफस्सिर, किसी फकीह, किसी मुअर्रिख का कोई कौल ऐसा नहीं मिलता कि जिसने 12 रबीउल अव्वल के तारीख़ वफ़ात होने से इख्तलाफ़ किया हो। ये हमारा दावा है, हमारे इल्म की हद तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला। अगर कोई पेश कर देगा तो इंशाल्लाह हम हमारे सर आंखों पर हम उसे तस्लीम करेंगे कि वाकई 500 साल से पहले भी कोई ऐसा बंदा था। तो 5 सदियां गुजर गईं, 5 सदियों में किसी एक शख्स ने भी ये दावा नहीं किया जो मिर्ज़ा साहब दावा कर रहे हैं। 5वीं सदी के बाद 6वीं सदी हिजरी में एक शख्स ने यह दावा किया और उसका भी रद्द कर दिया गया। उलमा ने बादलील रद्द किया और जो मैं आज दलायल आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जो जमहूर अहले इल्म का कौल है, मौर्रखीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, शारहीन, फुकाहा, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा इख्तसारन सिर्फ हवाले ज़िक्र कर दूँ और हम आपको उनके स्क्रीनशॉट असल किताब के स्कैन्स दिखा दें ताकि आपको तसल्ली हो जाए। सबसे पहले इमाम मोहम्मद बिन इसहाक रहिमहुल्लाह ताला, जो सीरत व मगाजी के इमाम हैं और इस बात पर तो सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं कि मगाजी और सीरत में उनको बहुत बड़ा मकाम हासिल है। और ख़ुद मिर्ज़ा साहब ने भी जब तारीख़ विलादत को 12 रबीउल अव्वल साबित करना था तो उस वक़्त मोहम्मद बिन इसहाक़ के कॉल पर उन्होंने एतमाद किया कि मोहम्मद बिन इसहाक़ जनाब ऐसे 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 हैं तो उनका ये कॉल है, लिहाजा आपको मानना पड़ेगा कि 9 नहीं 12 रबीउल अव्वल तारीख़ विलादत है। आप इस्लाम की पैदाइश हुई है 12 रबीउल अव्वल के महीने के अंदर और 12 तारीख को। इस हवाले से कोई मरफू रवायत, मौकूफ़ रवायत तो नहीं मिलती। अलबत्ता एक रवायत, अनस इब्ने मालिक के शागिर्द हैं मोहम्मद इब्ने इसहाक, जिनको इमामुल मगाजी कहा जाता है। दुनिया में सीरत की पहली किताब जो है ना, वो इमामुल मगाजी मोहम्मद इब्ने इसहाक बिन यसार की है, रहिमहुल्ला, अल मुतवफ़ा 150 हिजरी। ताबी हैं, अनस इब्ने मालिक के शागिर्द हैं, छोटे ताबीन में से अलबत्ता ताबी हैं। इनको इमामुल मगाजी कहा जाता है, यानी सीरत की किताबों के इमाम। सीरत इब्ने इसहाक इन्हीं की है, उसी को मुख्तसर किया गया सीरत इब्ने हिशाम है, क्योंकि सीरत इब्ने हिशाम में भी मौजूद है मोहम्मद इब्ने इसहाक का कौल और हदीस की किताबों में भी दलाइल नबुव्वा इमाम बैहकी की किताब में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4 नंबर ये असर है कि मोहम्मद इब्ने इसहाक कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आमुल फील वाले साल 12 रबीउल अव्वल के दिन सोमवार वाले दिन पैदा हुए। तो यहाँ पर जब तारीख़ वफ़ात की बात आई तो मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह उन्हें भूल गए, उनका कौल भी उन्हें भूल गया, उनका मौक़िफ़ भी भूल गया और उनकी शान और उनके फ़ज़ाइल जो तारीख़ पर थे वो भी उन्हें भूल गए। तो इमाम मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह से हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अलबिदाया व नहाया में नकल किया है, जिल्द 8 सफ़ा 107 है जो हमारे पास तबा है। तो उसमें इमाम साहब ने, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम इब्ने इसहाक़ से नकल किया है कि तौफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसनतै अशरा लैलतन खलत मिन शहरी रबीउल अव्वल, यानी 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फौत हुए। ये इमाम इब्ने इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह जो कि 151 हिजरी में फौत हुए हैं, 2 सदी हिजरी के ये मुहद्दिस भी हैं और मुअर्रिख भी हैं, सीरत निगार भी हैं, बहुत बड़े एक कदावर शख्सियत हैं 2 सदी हिजरी की। यहाँ मैं एक और बात भी आपको याद दिलाता जाऊँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब अक्सर ये कहते हैं और कई दफ़ा उन्होंने कहा है, ऑन द रिकॉर्ड है, हम पहले भी पेश कर चुके हैं, आज भी इंशाल्लाह आपके सामने उनका क्लिप चला देंगे। वो कहते हैं कि पहले 300 साल के जो मुसलमान हैं उनकी गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो इन लोगों की बात करें तो हम पुरानों को मानते हैं, दरमियानों को नहीं मानते। ना मैं वाबी तो ना मैं बाबी, ना मैं बाबों का मानने वाला और ना मैं ये जो आपने एक सो कॉल्ड अपने जोम में गाली बनाई है, मुसलमान है। इसी तरीके से ना मैं नवयाना बनने वाला, ना मैं दरमियाने का मनने वाला, मैं सिर्फ पुराने का मनने वाला। और पुराने तुहाडे वाले नहीं, पुराने वो जो वाकई पुराने जिनको नबी इस्लाम ने कहा है पहले 300 साल से, आबा ताबीन तबा ताबीन। और इस हदीस पे ये बुखारी मुस्लिम में तिर्मिजी में इमाम तिर्मिजी ने बकायदा बाप बांधा है कि पहले 300 साल के मुसलमानों की गारंटी नबी इस्लाम ने दी है, ठीक है ना। इस हवाले से उन्होंने एक बाप भी बांधा है। उनके कहने का मतलब यह है कि जो चीज़, जो अकीदा, जो अमल जिसको वो बरहक समझेंगे पहले 300 साल वाले लोग, जिस पर वो मुत्तफिक हो जाएंगे वो हक होगा और उसके बाद वालों की तो चूंकि कोई गारंटी नहीं है, बाद वाले अगर उसके खिलाफ होंगे तो गलत होंगे। अब मिर्ज़ा साहब अपने उस कॉल से और अपने उस मौक़िफ़ से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं।
جیسے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے سلف صالحین پہلے 300 سال کے آئمہ محدثین فقہا سب کو چھوڑ دیا اور اپنا ایک موقف جو کہ جہمیہ کا موقف ہے وہ انہوں نے پیش کر دیا. اس پر ہمارا پورا ایک لیکچر موجود ہے اللہ کہاں ہے, آپ سرچ کریں اصلاح میڈیا لکھ کر, اصلاح میڈیا آگے اسپیس ڈالیں اللہ کہاں ہے لکھیں ویئر از گاڈ, انشاءاللہ ہمارا کلپ ہمارا پورا لیکچر آپ کو مل جائے گا. تو بہرحال پہلے 300 سال کے لوگوں کی بات مرزا صاحب کرتے ہیں کہ ان کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, تو یہاں 300 سال والے مسلمان تاریخ وفات کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے آپ سکینز بھی دیکھ رہے ہیں. محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو 251 ہجری کے 151 ہجری میں فوت ہوئے ان کا موقف بھی آ گیا. امام خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ تعالی جو 240 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, یعنی یہ 300 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 300 ہجری 300 سال کے لوگوں میں یہ بھی شامل ہیں. ان کی کتاب ہے, مشہور کتاب ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط, اس میں صفحہ نمبر 94 پہ یہ عبارت موجود ہے کہ وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان انہوں نے کیا ہے. فیہا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لسنتی عشرۃ خلت من شہر ربیع الاول, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول میں فوت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے. یہ بھی پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں ہیں. اور اس سے اگلا حوالہ امام ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ تعالی جو 276 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, یہ بھی پہلے 300 سال کے لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں مرزا صاحب بھی مانتے ہیں کہ ان کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول میں ہوئی ہے, 11 ہجری 12 ربیع الاول. اسی طرح یہ پہلے 300 سال کے 3 مسلمان ہم نے پیش کیے, 3 علماء اور 3 چوٹی کے اپنے دور کے مشہور جلیل قدر علماء ہیں. تو پہلے 300 سال کے لوگوں کا یہی کہنا ہے اور اس کے بعد کا بھی ہم بیان کرنے والے ہیں, لیکن ہم یہ یہاں صرف ایک ریمائنڈ کروانا چاہتے ہیں مرزا صاحب کو کہ پہلے 300 سال کے لوگوں کا کیا موقف ہے اس کے خلاف. 12 ربیع الاول وفات کے خلاف پہلے 300 سال میں سے کسی مسلمان کا کوئی قول اگر مرزا صاحب پیش کریں تو ہم انشاءاللہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ واقعی پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں سے بھی ان کے ساتھ کوئی ہے. اور اگر وہ پیش نہ کر سکیں اور انشاءاللہ ایسا کر بھی نہیں سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ خود اپنے موقف کو چھوڑ چکے ہیں. آپ سمجھتے تھے اور آپ کہتے تھے اور آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ اور آپ کا یہ سوچ اور فکر تھی کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں نے جس عقیدے اور عمل جس نظریے کو اپنایا ہے وہ برحق ہے, لیکن اب آپ اسے چھوڑ گئے ہیں. پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آپ کے پاس کوئی نہیں. اس کے بعد امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ 356 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 34 ہجری کے محدث ہیں. ہم یہ 2 ہجری سے آگے آ رہے ہیں جب سے تاریخ لکھی جانی شروع ہوئی نا. سب سے پہلے تو یہ تاریخ نگار امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں نا, جن کی مشہور ایک تاریخ ہے, سیرت ہے اور مغازی جس پر انہوں نے لکھا ہے. تو جب سے یہ لکھا جانا شروع ہوا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ باقاعدہ کتابیں لکھی جانی شروع ہوئیں, تو اس وقت سے 12 ربیع الاول کی ہی کو یوم وفات لکھا گیا. امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ یہ صحیح ابن حبان میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے. امام قزائی رحمہ اللہ تعالیٰ 456 ہجری میں, یہ 5ویں صدی ہجری کے تو 4ویں بھی اور 5ویں صدی ہجری بھی, وہ اپنی کتاب تاریخ قزائی میں یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فوت ہوئے ہیں 12 ربیع الاول کو. امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ 456 ہجری میں, یہ 5ویں صدی ہجری ہے, تو وہ اپنی بیان میں وہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن ہی فوت ہوئے اور سوموار والے دن 12 ربیع الاول تھا اور یہ 11 ہجری تھا. تو یہ بات بھی صاف ہو گئی, یہ جو کہا نا مرزا صاحب نے کہ سوموار کو 12 ربیع الاول بانی نہیں سکتی, آگے ہم انشاءاللہ وہ تو دلیل کے ساتھ بھی بتائیں گے, بخاری و مسلم سے ہی ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ 12 ربیع الاول وفات بالکل بن سکتی ہے اور بنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اب 463 ہجری میں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے, یہ بھی 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں. الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ان کی مشہور و معروف کتاب ہے, اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے,
यानी सोमवार वाला दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। कितनी बड़ी बात है मिर्ज़ा साहब ने जो कर दी है, और उन्होंने बावर ये कराने की कोशिश की है कि उम्मत को पता ही नहीं चला। इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन और फुकहा और आइम्मा दीन, वो 12 रबीउल अव्वल को यौम वफात कहते रहे और उन्हें ये पता ही नहीं चला कि बुखारी में लिखा है, सही हदीस बुखारी की जो हदीस है उसमें ही ये लिखा है कि 12 वफात नहीं बन सकती। तो ये मिर्ज़ा साहब आपका आपकी खाम ख्याली है, हकीकत कुछ और है जैसा कि आइम्मा दीन कह रहे हैं। ये सातवां हवाला मैं पेश कर रहा हूँ इमाम अहमद अब्दुल बर का, उन्होंने अल इस्तियाब में लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी को सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए। हाफिज़ इब्न अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, यह आठवां हवाला है, 597 हिजरी में फौत हुए, छठी सदी हिजरी के एक नाकिद हैं, मुहद्दिस हैं हाफिज़ इब्न अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने अपनी किताब अल वफा बि अहवाल अल मुस्तफ़ा, सीरत पे ही उन्होंने किताब लिखी है, उसमें उन्होंने यही बात लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को 11 हिजरी में फौत हुए। 11 हिजरी में 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाले दिन आया था मिर्ज़ा साहब। ये सारे जो मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन हैं और उलमा उम्मत हैं, आइम्मा दीन हैं, सारे ये कह रहे हैं। आगे नौवां हवाला अलामा इब्ने असीर अल जज़री रहमतुल्लाह अलैह, 630 हिजरी में फौत हुए, सातवीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं। वो अपनी किताब मशहूर व मरूफ किताब अल कामिल फ़ित तारीख में ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। सोमवार वाले दिन मिर्ज़ा साहब 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए। इसी तरह मुहिबुद्दीन इब्न नज्जार हैं, उनकी किताब अद्दुर्रतु समीना फ़ी अखबारिल मदीना है, उसमें वो लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई 11 हिजरी में। इसी तरह 11वां हवाला हाफिज़ नौवी रहमतुल्लाह अलैह, जो 676 हिजरी में फौत हुए, सातवीं सदी हिजरी के इमाम हैं, वो अपनी किताब मशहूर व मरूफ शरह जो उनकी सही मुस्लिम की है, शरह नौवी अला सही मुस्लिम, उसमें वो लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार फौत हुए। और दूसरा उनका हवाला तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात का है, उसमें भी उन्होंने यही बात लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को सोमवार वाले दिन फौत हुए। इसी तरह इब्न असाकिर अद्दिमश्की रहमतुल्लाह अलैह, 686 हिजरी में फौत हुए, ये भी सातवीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में ये बात लिखी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए। हाफिज़ मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक मशहूर व मरूफ किताब है रिजाल के हवाले से, तहज़ीबुल कमाल उसके मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने, और ये तारीख़ के इमाम हैं ज़ाहिर है, तब ही तो रवात पर एक बहुत बड़ी जामे किताब उन्होंने तरतीब दी है तहज़ीबुल कमाल। तो उसमें वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। मिर्ज़ा साहब अब भी आपको इसरार है कि सारे मुहद्दिसीन को नहीं पता चला, और भाई ये जो लोग थे ना पहले, जो मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन हमारे फुकहा जो और उलमा और आइम्मा दीन जो थे, वो बयक वक्त बहुत सारे उलूम के माहिर होते थे, वो फलकियात के भी माहिर होते थे, हिसाब के भी माहिर होते थे। आपका क्या ख्याल है कि ना उनके फलकियात का पता, ना हिसाब का पता, और ना हदीस का पता उन्हें? अब ये तो बयक वक्त हदीस के भी आलम हैं, मुहद्दिस भी हैं, अलामा मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह 742 हिजरी में फौत हुए, आठवीं सदी हिजरी के मुहद्दिस भी हैं, और ये रिजाल के आलम हैं, मुअर्रिख भी हैं, और सीरत पर भी इन्होंने बहुत सारी बातें अपनी किताब में भी लिखी हैं, सहाबा इकराम से नकल भी की हैं, तो ये सीरत निगार भी हैं। तो ये कह रहे हैं, बल्कि सारे ही शुरू से कह रहे हैं कि सोमवार वाला दिन 12 रबीउल अव्वल को आया था, और आपका दावा है कि कतान नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, यानी आपको वो बात समझ आ गई जो उलमाए उम्मत को नहीं आई है। अलामा शरफुद्दीन अत्तीबी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े मशहूर शारे हैं मिशकातुल मसाबी के, तो वो लिखते हैं शरहुल मिशकात में, मिशकात की शरह में ही उन्होंने लिखा है, 743 हिजरी में फौत हुए, ये भी आठवीं सदी हिजरी के इमाम हैं, शारे हदीस अलामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए। सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को। हाफिज़ ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह, 15वां हवाला है मिर्ज़ा साहब, 748 हिजरी में फौत हुए, ये भी आठवीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं, अलामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह। आज किसी आलिम को अगर तारीख में और रिजाल में माहिर कहा जाना हो तो ज़ाबी दौरान कहा जाता है, यानी वो तो एक मिसाल बन गए हैं हदीस में, तारीख में, रिजाल में बयक वक़्त माहिर, अलामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह, 748 हिजरी में फौत हुए, आठवीं सदी हिजरी के मुहद्दिस। वो क्या कहते हैं, उनकी किताब अल इबर है,
उसमें उन्होंने ये बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी है कि तुवुफिया सैयदुल बशरी अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी वसत नहार यौम अल-इस्नैन सानी अशर रबीउल अव्वल। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल बशर हैं अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फौत हुए दोपहर के वक्त तकरीबन सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को। मिर्ज़ा साहब, आपका दावा अलामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह को भी ना बुखारी आती थी ना मुस्लिम आती थी और ना उन्हें तारीख का पता था ना हदीस का पता था ना हिसाब आता था। सुभान अल्लाह, कैसा दावा है आपका। हाफिज़ मुग़ल ताई रहमतुल्लाह अलैह 762 हिजरी में फ़ौत हुए, ये भी 8वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस भी हैं और हदीस के शारे भी हैं। उन्होंने किताब लिखी, उसमें भी उन्होंने ये बात लिखी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को फ़ौत हुए। 12 रबीउल अव्वल को, ये 762 हिजरी के मुहद्दिस फ़ौत होने वाले। अलामा इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह, ये 17वां हवाला है, 17 नंबर रेफरेंस के, अलामा इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और शारह हदीस हैं। वो लताइफुल मारिफ उनकी किताब, उसमें वो लिखते हैं कि मशहूर कौल यही है लोगों के यहाँ, जो मारूफ बात है वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन 12 रबीउल अव्वल ही था। 18वां हवाला बुरहानुद्दीन अल अबनासी रहमतुल्लाह अलैह 802 हिजरी में फ़ौत हुए, ये भी 8वीं और 9वीं सदी हिजरी के आगाज़ में फ़ौत होने वाले हैं, तो 8वीं 9वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं। वो भी ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को 12 रबीउल अव्वल को 11 हिजरी में फ़ौत हुए। इनके बकौल भी 11 हिजरी में 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार आई थी और बिल्कुल आई थी। और हाफिज़ इब्ने मुल्क्किन रहमतुल्लाह अलैह, ये 19वां हवाला है, 19th नंबर। हाफिज़ इब्ने मुल्क्किन रहमतुल्लाह अलैह, इनको शायद कम लोग जानते हों, आम तौर पर इनका नाम आवाम के सामने नहीं आता है। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े शारे हदीस हैं, सही बुखारी की एक बहुत बड़ी मबसूत शरह इन्होंने लिखी है। इसी तरह रिजाल पर इनका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े नाकिद हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। तो वो तौज़ीह शरहिल जामे सही, सही बुखारी पर उनकी जो मुफस्सल मबसूत शरह है, उसमें उन्होंने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को फ़ौत हुए और 11 हिजरी को 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार इनके बकौल भी आया था मिर्ज़ा साहब। वहाज़ा हुआ सही हुवल मशहूर, वो कहते हैं यही कौल सही भी है और मारूफ भी है लोगों के यहाँ। इसी तरह उन्होंने दूसरे मौके पर भी लिखा और तीसरे मौके पर भी लिखा, तीन जगह पर उन्होंने लिखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई और सोमवार वाले दिन ही हुई। आगे 20वां हवाला हाफिज़ इराकी रहमतुल्लाह अलैह का। हाफिज़ इराकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं और रिजाल के भी माहिर हैं, तखरीज हदीस में मर्जे हैं वो। तरह तसरीब है उनकी किताब, उसमें उन्होंने लिखा है वल्लज़ी यतरज्जहु मिन हैसु तारीख कौलु मन काला यौम अल-इस्नैन सानी अशर रबीउल अव्वल। फरमाते हैं कि जो कौल राजे है ना तारीख के एतबार से, ये मुहद्दिस भी हैं, मुअर्रिख भी हैं, नाकिद भी हैं, शारह भी हैं, वो क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि जो कौल तारीख के एतबार से राजे है ना, वही है कि 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए। 21वां हवाला अलामा मकरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो 845 हिजरी में फौत हुए, ये भी 9वीं सदी हिजरी के इमाम हैं, 9वीं सदी हिजरी के। वो इमताउल असमा उनकी किताब है, उसमें वो लिखते हैं दो जगह पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को सोमवार वाले दिन फौत हुए। आगे 22वां हवाला अलामा ऐनी हनफी, वो 855 हिजरी में फौत हुए, ये भी 9वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं और सही बुखारी की शरह उमदतुल्कारी में, सही बुखारी की शरह उमदतुल्कारी में वो लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए। अलामा सियूती रहमतुल्लाह अलैह 911 हिजरी में फौत हुए, 10वीं और 11वीं हिजरी के मुहद्दिस हैं। वो लिखते हैं अपनी किताब तौशीह में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए। और वो अल्फाज उनके क्या हैं, वमा ता यौम अल-इस्नैन मिन रबीउल अव्वल बिल इजमाई फि सानी अशर मिनहु इंदल जुमहूर। ये अलामा सियूती रहमतुल्लाह अलैह हैं। इब्ने हजर हैतमी, ये 974 हिजरी में फौत हुए, यानी 10वीं हिजरी के, अशरफुल वसाइल उनकी किताब है, उसमें उन्होंने दो जगह पर यह बात लिखी है कि आप सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए। 25वां वाला मोहम्मद बिन अहमद अशरबीनी अशाफ़ी 977 हिजरी में फौत होने वाले, 10वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं। असिराजुल मुनीर उनकी किताब है, उसमें उन्होंने यही बात लिखी है कि यौम अल-इस्नैन यानी सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में फौत हुए। 26वां वाला अलामा ज़ुरकानी रहमतुल्लाह अलैह, जो 1122 हिजरी में फौत हुए हैं,
मुअत्ता पर उनकी एक शरह है, शरह ज़ुरकानी, उसमें वो लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को फ़ौत हुए। इसी तरह मोहम्मद हाशिम सिंधी हैं, 1174 हिजरी में फ़ौत होने वाले आलिम, 12वीं सदी हिजरी। तो हम दूसरी सदी हिजरी से लेकर 12वीं सदी हिजरी तक पहुँच गए हैं अल्लाह के फजल से। उन्होंने भी 12 रबीउल अव्वल को मशहूर कौल करार दिया है। शमसुद्दीन अबुल औन अस्सफारीनी हैं, 1188 हिजरी में फ़ौत होने वाले आलिम, 12वीं सदी हिजरी। वो कशफुल लिसाम उनकी किताब है, शरह उमदतिल अहकाम, उसमें उन्होंने यही बात लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को 12 रबीउल अव्वल को फ़ौत हुए। काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुअर्रिख मुहद्दिस थे, काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मशहूर व मरूफ उर्दू में जो सीरत पर किताब है रहमतुल्लिल आलमीन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उसमें सफ़ा 239 पे उन्होंने 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोमवार वाले दिन वफ़ात लिखी है। और ये बताएं कि बहुत बड़े हिसाबदान और बहुत बड़े माहिर फलकियात भी थे ये काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अपने तो अपने ये अहलुल हदीस के आलिम थे, बहुत बड़े जय्यद आलिम थे, तो दूसरे भी उनकी सकाहत को और उनकी दयानत व अमानत को और उनके इलम और उनके फ़जल के मोतरफ हैं। वो भी लिखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए। 30वां हवाला, 30 नंबर हवाला, महमूद मोहम्मद खताब अस्सुबकी 1352 हिजरी में फौत होने वाले आलिम हैं। उन्होंने अबू दाऊद की एक शरह लिखी है, सुनन अबी दाऊद की, अल मनहर अल अज़ब अल मौरूद, उसमें उन्होंने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को 11 हिजरी में फौत हुए। इसी तरह उर्दू की अगर आप तारीखें देखें, जो तारीख़ पे किताबें या सीरत पे किताबें हैं, अकबर नजीब आबादी को देखें, तारीख़ इस्लाम में उन्होंने यही लिखा है, मोइनुद्दीन नदवी की तारीख़ इस्लाम देख लें यही लिखा है, अलामा सफ़ी उरमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की अर्रहीकुल मखतूम सीरत पे, ये दुनिया की फ़र्स्ट इनाम याफ्ता, सबसे अव्वल इनाम याफ्ता किताब है, उसमें भी सफ़ा 431 पे उन्होंने यही लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए। ये हमने तकरीबन 33 हवाले पेश किए हैं, शुरू से लेकर 14वीं सदी तक, दूसरी सदी हिजरी से लेकर 14वीं सदी हिजरी तक तकरीबन 33 हवाले अल्लाह के फजल व करम से 33 रेफरेंसेस हमने पेश किए हैं। और ये हमारा दावा भी है कि पहले 300 साल तो हैं ही कि किसी एक भी आलिम ने 12 रबीउल अव्वल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वफ़ात होने से इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि हम कहते हैं कि 500 साल तक किसी ने, हमारे इलम के मुताबिक किसी ने भी 500 साल तक 12 रबीउल अव्वल के यौम वफ़ात होने में कोई इख्तलाफ नहीं किया। पहले 300 साल के मुसलमानों का इसी पर इत्तेफ़ाक़ था, तो मिर्ज़ा साहब भी कहते हैं कि पहले 300 साल के मुसलमानों की गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो इन लोगों की बात करें तो हम पुरानों को मानते हैं, दरमियानों को नहीं मानते, ना मैं वाबी तो ना मैं बाबी, ना मैं बाबों का मानने वाला और ना मैं ये जो आपने एक सो कॉल्ड अपने जोम में गाली बनाई है, मुसलमान है। इसी तरीके से ना मैं नवियां का बनने वाला, ना मैं दरमियाने का मनने वाला, मैं सिर्फ पुराने का मनने वाला। और पुराने तुहाडे वाले नहीं, पुराने वो जो वाकई पुराने जिनको नबी इस्लाम ने कहा है पहले 300 साल से, अब ताबईन तब ताबईन। और इस हदीस पे ये बुखारी मुस्लिम में तिर्मिजी में इमाम तिर्मिजी ने बकायदा बाप बांधा है कि पहले 300 साल के मुसलमानों की गारंटी नबी इस्लाम ने दी है, ठीक है ना, इस हवाले से उन्होंने एक बाप भी बांधा है। उस गारंटी को अब खुद मानने से इनकारी हो गए हैं और लिख दिया है कि वो पहले 300 साल वाले भी सारे गलती पर जमा थे और सही बात इन्हें समझ आई है। बस सबको ना बुखारी मुस्लिम की हदीसों का पता था और ना किसी और चीज़ का पता था, ना तारीख, ना हिसाब, ना फलकियात, ना कुछ भी, बस ये मिर्ज़ा साहब को इलम हुआ और उन्होंने हतमन और कतअन लिख दिया कि कतई तौर पर ऐसे नहीं हो सकता।